ब्रिटेन में भी 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात निसार गुलशन की इस रिपोर्ट। हर आवाज है जज्बों की, मंजर पे जो आई है, हम दूर नहीं है मंजिल से। 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह के मौके पर ल्यूटन में जबरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया। लॉर्ड कुर्बान हुसैन, अलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी, मेयर ऑफ ल्यूटन ताहिर महमूद मलिक, पार्लियामानी उम्मीदवार चौधरी यासिन रहमान, साबिक मेयर ऑफ सलाव इशरत शाह, साबिक मेयर ऑफ चश्म जफीर भट्टी के अलावा बड़ी तादाद में कम्युनिटी के अफराद ने चैनल की मजीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरका का कहना था कि 92 न्यूज यूके की तेजी से मकबूलियत उनका मयार और जिद्दत समेत टीम की अंथक मेहनत है। शुरकाए महफिल ने चैनल के इस्लामी प्रोग्राम्स, टॉक शोज, खबरनामे को खूब सराहा, कश्मीरियों की भरपूर आवाज और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी का हकीकी तर्जमान करार दिया। 92 टेलीविजन ने बरतानिया में साफ्ती इकदार को आला तरीन तरीके से पेश किया और बिलखसूस इस चैनल ने पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बरतानिया में बसने वाले तमाम ओवरसीज में के दरमियान एक ब्रिज का, पुल का किरदार अदा किया है। बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, न्यूज़ के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात से, यहाँ की सियासत से लोगों को वो बाखबर रख रहे हैं। आज 92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर मैं सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूं और 92 न्यूज़ की जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करती हूं। चैनल 92 जो है इसकी परफेक्ट न्यूज़ है, इसकी आती हैं और मैं समझता हूं कि ये आप सब ज़्यादा आप अखदार हैं जो इसको रन कर रहे हैं। चैनल 92 की सालगिरह के मौके पर मैं 92 चैनल वालों को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस चैनल की खसूसियत यह है कि ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ जो इनके तजज़िये और एनालिसिस हैं वो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़े मौसर हैं। मैं चैनल 92 को दूसरे साल की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी उनके साथ है और आपकी कामयाबी के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए दुआगो हैं। चैनल 92 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हों या सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करते हैं इस मुल्क में भी और अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनको बड़ी इफेक्टिवली आपने प्रमोट भी किया और एड्रेस भी किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को मजीद तरक्कियां दे। A huge congratulations to Channel 92 from myself and everyone in Luton and I'd like to take this opportunity to commend the work that Nisar Saab is actually doing in Luton, focus on community issues that affect the Pakistani Kashmiri community. Aage bhi apni is inqilabi riwayat ko, purjosh siyasat ko, sahafat ko aur gair janabdana jo sahafat hai usko barqarar rakhenge. Many congratulations to 92 team. They're doing a fantastic job. And one thing I would like to add on this occasion, on their second anniversary, that you know, as you know, that our Kashmir brothers and sisters are still suffering for the past 4 months, and we shouldn't leave any opportunity alone where we not supposed to talk about the aggression our brothers and sisters are facing there. Channel 92 ne bade aksar andaaz mein बहुत बड़ी कंपटीशन के बावजूद अपना नाम पैदा किया है और खसूसी तौर पर मैं देखता हूँ कि एक मुनफरिद हैसियत इस चैनल की कि सुबह के वक्त जब दीगर चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम लगे हों तो यहाँ पर जो दीनी मजहबी प्रोग्राम उस वक्त वो लगाते हैं सुबह सुबह का प्रोग्राम, वो बहुत ही ज्यादा मुअसर होता है। चैनल 92 को इसकी दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस टू चैनल 92। दिस इज अ ग्रेट चैनल फॉर यूके व्यूअर्स। मैं 92 न्यूज की मैनेजमेंट को, व्यूअर्स को और जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूं। आज चैनल 92 की सालगिरह है, इस मुबारक मौके पर मैं अपने दिल की अक्ता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। रंगारंग तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ आलमे दीन अलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल, पाकिस्तान की तरक्की और कश्मीर की आजादी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई।